देखो अभी की जो टाइम है ना, फ्री फायर इंडिया में ना आने का चांस 90% है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ फ्री फायर की मेन प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गेम की। जब फ्री फायर ने 99% सब कुछ सही कर दिया है, तो बचा हुआ 0.1% क्यों सही नहीं कर पा रहा है। अब फ्री फायर की रैंक सिस्टम के बारे में तुमसे कुछ कुछ नहीं छुपा होगा, तुम लोग सब जानते हो। पहले एक टाइम था जब हर एक गेम में हैकर आते थे, लेकिन अभी हैकर नहीं आते। अब क्या होता है ना, हैकर की एक अलग ही लॉबी होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी टीम में अगर एक हैकर है, तो अपोनेंट की टीम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भी ज़्यादा हैकर हो सकते हैं। ये जो गरीना का काम है ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, लेकिन क्या हम ये नॉर्मल रैंक में कर सकते हैं? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। और इस टाइप का सोच गई ना कि वो सोचते हैं कर लेंगे, छोटा सा ही तो काम है। और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि फ्री फायर की 99.9% लोग लिख के दे सकते हो, रैंक जरूर खेलते हो। और अभी के टाइम में रैंक सिस्टम आप लोगों को जानते हो क्या हो गया है। और अगर तुम भरोसे वाले हो और तुम्हारा दुनियाधारी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के अगर तुम रैंक खेलते हो कि ये सोचकर कि तुम यूट्यूबर बन जाओगे, तो मेरे एक बात हमेशा याद रखना कि फ्री फायर में 7-8-10 मिलियन वाला चैनल भी एक टाइम पे रैंक पुशिंग की वजह से फेमस हुए थे। आज उन सब का चैनल का व्यूज़ मेरे व्हाट्सअप स्टेटस के व्यूज़ से भी कम आते हैं। तो डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि ऐसा है ना, जनता जब कुछ नहीं जानता है तब रैंक की वीडियो देखती है, क्योंकि वो नए प्लेयर्स होते हैं। और जब ये नए प्लेयर्स थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 2-3 गेम खेल लेते हैं, उसके बाद तुम कहा और मैं कहा, और वो बात अलग है कि जो भंड पिकाचू होते हैं और टील देन सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पिकाचू है ना कुछ समझ में ही नहीं आता। अब तुम सबको ना मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो देखने के बाद तुम एक चीज़ ही बोलोगे, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कर लिया यूट्यूबर ने। पहले ही बता देता हूँ, सबके सब बेशरम। अब ध्यान से देखना, रैंक सीजन आया है 14 तारीख को, और अभी ये देखो ज्ञान राठी का स्कोर, KD देखो इनकी। और किस्मत से ये बंदा पहले ज्ञान गिल्ड का बंदा था और अब टोंडे का। और मैं सभी के सभी का देखता हूँ, उसके भी सब सेम ही है। कुछ बेशरम हो, कुछ तो शर्म करो, सबके सब बेशरम है। फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल किया और मुझे मिला एक्शन बोल्ट, और बोल्ट पे ना मेरा पूरा भरोसा था। मैंने उसकी प्रोफाइल चेक किया और इसका KD देखा, और ये होता है फेयर प्रोफाइल। बाकी 500 से ज़्यादा कोई अगर गेम खेले है तो सबके सब झोल यूज़र है। और अगर तुम स्कूल जाते हो और पढ़ाई लिखाई में लिखाई थोड़ा सा करते हो, तो तुम सब जानते होंगे कि सबके सब ये सब चोर है। ना इस पे गैना एक्शन ले रहा है, ना एम्प्लॉयज एक्शन ले रहा है, सबके सब बेशरम है। शर्म करो। और अगर देखो ये सब गलत है, नहीं होनी चाहिए ये सब, चाहो तो इस वीडियो को शेयर करो, स्पैम करो, कुछ भी करो, चाहो तो प्ले स्टोर में एक्स्ट्रा रेटिंग दो। और अगर तुम्हारा दुख मेरे दुख सेम है, तो इस वीडियो को कुछ नहीं करना, एक लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, लव यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।